आइए आज हम इनके ओनर से मिलते हैं और इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे। आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है अभी तक? अप्रॉक्सीमेटली 6000। 6000 चल चुकी है, ओके राइट। और आपकी गाड़ी? 70000। आपने गाड़ी कब ली थी? 2015 में। और आपने कब ली थी गाड़ी? 2019। ओके, BS4 है मतलब आप दोनों का? BS6 है। अच्छा, आपका BS6 है? लास्ट। अच्छा, और आपका? सेकंड गियर पे तो भाई पावर इसकी बहुत है। अक्षय, हाउ डू यू फील? और आपको नेगेटिव पॉइंट्स क्या लगते हैं इसके? इसकी माइलेज कम नहीं है, बट कंफर्टनेस के चक्कर में मैं उसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, कोई नहीं। हाय गाइस, आज हम खड़े हैं होंडा सिटी 2015 के सामने। आज हम जानेंगे इसका लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो ये गाड़ी जनरेट करती है 145 Nm का टॉर्क 117 BHP पे। फ्रंट से इसकी लुक कुछ इस तरह हमें देखने को मिल जाती है, फॉग लैम्प्स इसमें देखने को मिल जाते हैं और इसकी हेडलाइट है, इसकी लो बीम हाई बीम दोनों में हमें हेलोजन देखने को मिल जाता है, हेलोजन बल्ब। और अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं इसकी साइड प्रोफाइल और साइड लुक कैसी लगती है। ऐसी कुछ इसकी साइड लुक हमें देखने को मिल जाती है और इसमें हमें 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और पीछे की साइड हमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और आगे की साइड डिस्क ब्रेक्स। अब इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो रेयर लुक इसकी कुछ ऐसी है, नीचे रिफ्लेक्टर्स और ऊपर इसके टेल लैम्प्स। इसमें हमें चारों पावर विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं और इसके जो ORVMs हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं अंदर से ही। क्रूज़ कंट्रोल हमें देखने को मिल जाता है, स्टेयरिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, ऐसा कुछ इसका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। और बाकी इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। नीचे इसके सिर्फ आगे दो स्पीकर आते हैं, पीछे स्पेस दी जाती है, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे इन भाई ने इंस्टॉल करवा रखे हैं। ये अपने कुछ आर्मरेस्ट आती है, इतना कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है इसमें। कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और बाकी इसके ग्लव बॉक्स की स्पेस कुछ इतनी मिल जाती है। और वैनिटी मिरर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता ड्राइवर साइड, लेकिन पैसेंजर साइड इसका देखने को मिल जाता है वैनिटी मिरर। और बाकी मेन इसका यूज़ भी यहीं पे ही है भाई। सबसे एक जो मेन क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि भाई आपने होंडा सिटी ही क्यों चूज़ करी, जबकि अदर राइवल्स भी थे इसके मार्केट में, जैसे ह्युंडई वर्ना या फिर सियाज मारुति की। जैसे आप कह रहे हो वरना और सियाज, मैं वरना कंसिडर कर रहा था, बट मेरे रिलेटिव में, मेरे क्लोज रिलेटिव पे वरना थी, बट उनसे मैंने रिव्यू मांगा तो वो कह रहे थे इसके हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है। बट देन मैंने फिर कहा तो मतलब आपको रिव्यूज अच्छे नहीं मिले उसके, नहीं मिले थे, इसलिए मैंने वरना कंसीडर। वो भी क्लोज रिलेटिव्स पे थी तो ऑब्वियसली। और मैं सियाज की मैंने टेस्ट ड्राइव ली, बट मुझे वो ईज ऑफ ड्राइव मिला ही नहीं जो आपको इसमें मिला। मैंने दोनों कंसिडर किए थे, ऐसी बात नहीं कि मैंने सियाज पे देखा नहीं था, बट जब मैंने इसे चलाया तो समझ लो दिल आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे आप इस गाड़ी को 78,000 किलोमीटर चला चुके हो, तो आपको इसमें कोई अभी तक कोई भी मेजर डिफिकल्टी या फिर कुछ भी फेस हुआ है, मेजर प्रॉब्लम्स? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम इश्यू आई नहीं है इतने चलाने के बाद। सर्विसिंग वगैरह बिल्कुल ऑन टाइम, ऑन टाइम होती है। अच्छा, तो उसमें भी कोई दिक्कत कोई नहीं है, इतना कोई मेजर आते रहो तो फिर कोई प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं है। और वैसे ही होंडा के इंजन तो माने जाते हैं कि काफी चल जाते हैं, काफी चल जाते हैं। तो आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या लगे, मेजर पॉजिटिव? मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स है जैसे कि इसके कंफर्टनेस, राइड एंड कंफर्टनेस बहुत इज टू ड्राइव है, कहीं भी लॉन्ग टर्म में जाओ तो पीठ में कोई मतलब थकान भी नहीं होती है। रेयर पैसेंजर्स के लिए कैसी है इसकी? रेयर पैसेंजर के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टनेस है इसमें। आप बैठे हो लॉन्ग ड्राइव पे कभी? हाँ जी, हाँ पीछे रेयर सीट बैठा हूँ मैं, थोड़ी देर बैठा हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा था? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, रेयर में बैठना ज्यादा अच्छा लगा। रेयर ज्यादा अच्छी लगी? अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसकी आपको ब्रेकिंग कैसी लगती है? इसकी ब्रेकिंग काफी पावरफुल है, मैंने देखी है, कई बार आपको पता चल जाता है इफ यू आर एन ओनर यूजिंग इट फॉर अ व्हाइल, तो आप ब्रेकिंग अच्छा है इसका, पावर इसका, टॉर्क बहुत अच्छा है, काफी पिकअप है कह सकते हो आप। और उसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। हाँ, क्रूज कंट्रोल का आप बताइए मेरे को। जैसे ये ज्यादातर मेनली हाईवे पे यूज होता है, क्योंकि आप सिटी राइडिंग कर रहे हो तो आप कई बार आपको ब्रेक्स
पे यूज करना होता है तब वो डीएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए तो ये हाईवे पे कहीं आप लॉन्ग हाईवे पे इसका क्रूज कैसे काम करता है, बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम करता है। आपको बस एक बार सेट कर देना है और रेस पेडल से पैर हटा देना है, वो अपने आप ले जाएगा फिर अपने आप, बट स्टीयरिंग से नहीं हटाना। ठीक है ठीक है ठीक। और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये माइलेज काफी कम देती है, जैसे सिटी में ये 8-9 और हाईवे पे 12-13 के बीच। अच्छा, वो भी क्रूज करो तो। हाँ, बट इसकी राइड एंड हैंडलिंग इतनी अच्छी है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, माइलेज कॉम्प्रोमाइज, माइलेज कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई आगे से इतने नीचे है ना तो बम्पर पे लगने का चांसेस ज्यादा होते हैं गड्ढों के। अच्छा, लो फ्लोर ज्यादा है मतलब। इसके बाद वाले मॉडल में आया अपलिफ्ट कर दिया था। अब सिडैन में तो भाई यही होता है, लेकिन इंडियन रोड्स के हिसाब से सिडैन थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। अभी तो आपका अगले मॉडल में फ्रंट लिफ्ट कर दिया था, उसमें ये इशू नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई नेगेटिव इसका? जैसे कि इसके आप देख सकते हो रेयर में हेडरेस्ट नहीं है बीच में। अरे भाई मुंडी हटाओ यार काशु भाई। हाँ बिल्कुल, पॉइंट जो इसका लगता है। इसके ORVM में इंडिकेटर्स नहीं आते जैसे कि साइड में आते हैं, जो कि मिड वेरिएंट के हिसाब से मेरे हिसाब से होंडा ने गलत किया है कि वो LED वाले नहीं दिए। अच्छा अच्छा। और पीछे बैठ के कैसा लग रहा है काशु भाई? भाई काफी अच्छा बढ़िया फील है यार। एक तो रियर एसी वेंट है इसके अंदर और आर्मरेस्ट के अंदर ही कप होल्डर है, तो कंफर्टेबल भी है काफी बैठने में, स्पेशियस भी है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कोई बैठने में। चलिए अब इसका ड्राइविंग रिव्यू भी कर ही लेते हैं। स्टार्ट होने में थोड़ी सी आवाज तो करी है इसने, बट वाइब्रेशंस फिर भी बिल्कुल नहीं है। और मैं कहूंगा कि स्टीयरिंग तो भाई इसका बिल्कुल अल्ट्रा स्मूथ था। ओ भाई पिकअप तो बहुत ही अच्छा है इसका भाई, बहुत बहुत ज्यादा पावर। सस्पेंशन भी इसके काफी अच्छे हैं, खड्डों वाली रोड थी, इतना कुछ अच्छे से फील नहीं हुआ। आई थिंक अभी बलिनो ड्राइव करी थी, बलिनो के थोड़े ज्यादा स्टिफ थे सस्पेंशन, इसके ज्यादा अच्छे हैं। सेकंड गियर पे तो भाई पावर इसकी बहुत तगड़ी है भाई, पावर तो बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी में। मतलब मैं दूसरे गियर पे इसको 80-100 तक ले गया था, फिर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ज़रा सी भी या कुछ भी है। और ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी इफेक्टिव लगी मुझे। मुझे तो पर्सनली इस कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी सेडान पसंद करते हैं तो आप भी इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं।